मिर्जापुर लोकसभा इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमेश बिंद ने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्टर परिसर में पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं इस एनडीए के प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने भी अपने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्टर परिसर में नामांकन किया। इस बीच दोनों आमने सामने हो गए, जिसमें पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि रमेश बिंद वर्तमान में भदोही लोकसभा से भाजपा के सांसद हैं और भदोही भाजपा का टिकट कटने के बाद वह सपा में शामिल हो गए और सपा से मिर्जापुर में उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इसके पूर्व में भी मझुआ विधानसभा से बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। आज सपा पार्टी ज्वाइन करते ही मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से सपा ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहला काम विकास का मुद्दा होता है। सबसे पहला काम विकास का मुद्दा होता है। दूसरा किसान के नौजवानों के हित को काम होना चाहिए। जो आज स्टूडेंट हैं उनके हित का काम होना चाहिए। आज मेरा मेन बिंदु है विकास के। अच्छा, क्या कारण था आपको बीजेपी छोड़ने का? क्या कारण था, आपने बीजेपी छोड़ा है, क्या रीजन था? नहीं तो आप ये चैनल पे बता दीजिए ना कि पिछले वाले, तो आप तो अभी लगातार आपको बोलना पड़ेगा। क्या रीजन था आपको, क्या लगा ऐसा कि आपको छोड़ना पड़ा? मैं बोल दिया कि मैं उनकी, आज जो मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ और आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं